थी, जैन एजुकेशन सिस्टम से एग्जीक्यूटिव अपॉइंट हुआ हूँ मैं बांदा शहर के लिए, और यहाँ पे हमारी कंपनी के थ्रू यहाँ पे सारा चीज़ इंस्टॉल कराया गया है, सारे इरीगेशन सिस्टम इंस्टॉल कराए गए हैं, चाहे वो ड्रिप इरीगेशन हो, चाहे वो माइक्रो स्प्रिंकलर हो, चाहे मिनी स्प्रिंकलर हो, रेन गन भी हमारे यहाँ पे इंस्टॉल कराया गया है, साथ ही साथ पोर्टेबल स्प्रिंकलर भी यहाँ पे लगाया गया है। और ड्रिप इरीगेशन में आपने देखे होंगे कि डायरेक्ट पानी जो है वो रूट जोन पे जाके यहाँ पे गिरता है, इरीगेशन है यहाँ पे, इसमें पानी जो होता है वो सीधा रूट जोन में जाता है। किया गया है यहाँ इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट में, डीएम साहब और डीएचओ साहब की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि हम लोग यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको एजुकेट कर सके और दिखा सके लाइव कि ये कैसे वर्क करता है, कैसे हमारा ये जो ड्रिप इरीगेशन है, पोर्टेबल स्प्रिंकलर है, ये कैसे काम करता है और कितना एरिया ये कवर करता है। लाइट का फायदा क्या है इसमें? हाँ सर, ये लाइट का फायदा ये है कि मतलब लाइट वेस्ट नहीं होगी, किसी को ऑन ऑफ भी नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी, जब अंधेरा हो जाएगा अपने आप लाइट जल जाएगी। इसमें क्या होगा, जब भी ये ट्रेन का जो भी कूड़ा कचरा होगा वो रेलवे ट्रैक से एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, असेसमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को नौकरियाँ प्रोवाइड करते हैं उनके ब्रेन्स के साथ। आज की डेट में हमारे पास व्हाट्सएप और लिंक्डइन पे लोग समय दे रहे हैं, अगर इस पोर्टल के ऊपर लोग अपना समय देते हैं तो उनका ब्रेन शेयर होता है जो कि फर्दर एम्प्लॉयर्स को रिकमेंड करता है नौकरी के लिए। तो ये बेसिक मोटिव यह है कि अगर आप डेली 5 से 10 मिनट भी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं और अपना ब्रेन शेयर करते हैं जो कि फर्दर आपकी जॉब्स को पाने में हेल्प करता है। हिंदू रीति रिवाज से सौदा सेंटर है और ये लकड़ी आधारित है, इसमें हमारे हिंदू जितने भी सारे रीति रिवाज हैं, कपाल क्रिया हुआ, पंच संविधा हुआ, सारा चीज़ करते हैं और ये मात्र हम लोग 80 किलो में एक सौदा करते हैं। एक सौदा करने में हमारा मैक्सिमम 800 रुपये का खर्चा आता है और इसमें जो है जो हम 80 का पूजा करते हैं, सॉरी जो हम बॉडी जलाते हैं उसी की 80 मिलती है, किसी दूसरे की नहीं मिलती, उसी की मिलती है, फ्री में मिलती है, तो हमारा जो पूजा पाठ भी है वो भी कागज होता है उसमें। जैसे कि हम लोग वाटर मोटर से सप्लाई करते हैं ऊपर छत में टंकी में, तो उसमें गिरता कभी कभी टंकी फ्लो हो जाती है, ओवरफ्लो हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा चली जाती है, भूल जाना हो, इसमें सेंसर लगे हुए हैं जो कि बताएंगे कि वाटर भर गया। जैसे कि हम इसमें 0% ही बता रहे हैं, वाटर नहीं है, अभी हम इसमें डालेंगे 100% का फुल हो जाएगा, जो हम लोग 25 और जैसे इसकी वाटर फुल हो जाएगा तो अपने इसकी वाटर बंद हो जाएगा, इसका फैन जो है अपने आप बंद हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि टंकी जो है हमारी रूफ टॉप पे रखी है। अब 100% बताएगा तो फैन मोटर अपने आप ऑफ हो जाएगी तो वाटर सप्लाई होना बंद हो जाएगा, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, वाटर सेव हो जाएगा, दोनों चीज़ों का संजय और इससे हमारा वाटर का एक ही नुकसान नहीं होगा।